तो आगे आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वेस्टलैंड सर्वाइवल की गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आपने लास्ट वाले गेम प्ले में देखा था कि हमें बस एक हॉर्स शूज चाहिए थी जिससे है ना हमारा वैगम कंप्लीट हो जाता। तो अब यार अपने गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से गाइस सबसे पहले इनको ख़त्म करता हूँ मैं, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो गाइस जैसे ही मैं इन तीनों को मारता हूँ, ये कहाँ जा रही है, इधर आ तू, हाँ तेरी भैंस की टांग। और गाइस एक ये लास्ट बंदा बचा है, लास्ट नहीं ये दो है। तो गाइस फाइनली ये लोग है ना मेरे घर पे अटैक करने के लिए आए हुए थे, तो मैंने कहा कि आओ यार तुम्हें प्रसाद दे दिया जाए। मतलब ऐसे कैसे तुम किसी के भी घर पे हाउस पे अटैक कर सकते हो और उनकी सारी लूट लेके भाग सकते हो। ये सिर्फ काम करने का हक मेरा है क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ और शेरिफ से तो मैंने परमिशन नहीं लिया था। तो गाइस मेरे को बस एक लास्ट हॉर्स शू चाहिए थी जो कि मेरे को मिल नहीं रहा। और गाइस मैंने शायद नाइट में प्ले किया था तो जो मेरा टास्क आता था ना जिसके अंदर हमें हॉर्स के चीज़ें वगैरह मिलती थी वो भी नहीं मिला, तो काफ़ी ज़्यादा बेकार सा रहा। लेकिन गाइस यहाँ पे है ना इनके पास से मेरे को एक मैप का पीस मिल रहा है, और गाइस हमेशा इनके पास से एक हॉर्स का मटेरियल मिलता ही है। तो क्या गाइस क्या हमारा हमारा हॉर्स शूज निकल पाएगा इसके पास से? तो सबसे पहले गाइस इस भोसड़ी के बुढ़े को टपकाते हैं। तो ये गाइस ये बुढ़ा गया, अब गाइस खेल चालू हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स होगा, इसी के अंदर हमें हॉर्स शूज मिला तो ठीक है, वरना गाइस हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन गाइस कल या परसों गेम प्ले में शायद पक्का हो जाए क्योंकि गाइस ये हॉर्स शूज मेरे को लास्ट वाला दे नहीं दे। लेकिन अगर इन्होंने कल नहीं दिया ना गाइस, तो गाइस मैं कल 300 कॉइन से मैं खरीद लूँगा। और गाइस इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने मेरे को क्या अजीब सा हॉर्स का एक मटेरियल तो दिया लेकिन गाइस वो मेरे पास 10-15 पड़े हुए हैं गाइस मेरे इन्वेंट्री के अंदर। तो गाइस मैं क्या ही कर सकता हूँ इनका, तो इस वजह से मेरे को अगर कल इन्होंने नहीं दिया तो गाइस कल भी, लेकिन कल पक्का मैं ये गेम प्ले डालूंगा ही डालूंगा क्योंकि गाइस कल मैं 300 कॉइन लगा के बाय कर लूंगा उसको हॉर्स शूज को, और फिर कल की वीडियो बनाएंगे वैगम के ऊपर। तो गाइस वैगम तो आने वाला है, लेकिन गाइस क्या कल किसी ने कमेंट करके मेरे को बताया कि गाइस उसके अंदर जो बॉक्सेस मतलब जितने मटेरियल हम रख सकते हैं ना गाइस उसको वैगम को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अखंड सी बकचोदी मेरे को लगी क्योंकि गाइस इतनी मेहनत के बाद मैं उसको अनलॉक कर रहा हूँ और उसको अपग्रेड भी करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेकार लगा। लेकिन गाइस पहले देखते हैं वैगम का एक्सपीरियंस कैसा है अनलॉक होने, तो फिर बात करते हैं गाइस उसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे मैं माइनिंग करने के लिए आ चुका था और गाइस मेरे पास काफ़ी सारे लेदर मेरे को मिल रहे थे, तो गाइस हाथ के हाथ मैं भी लपेट ले रहा था। तो गाइस यहाँ माइनिंग करने के लिए आया था और यहाँ पे मेरे कुछ एनिमल मिल जाते हैं जिनके पास वो लेदर चाहिए होता है जो कि मेरे को वो लेदर होता है जो मेरे को चाहिए था। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मेरे पास लास्ट ये बंदा बचा, ये बंदा नहीं गाइस ब्लैक वुल्फ काला काला लोमड़ी। हाँ गाइस इस काले लोमड़ी को मारने के बाद गाइस हम आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरे पास लेदर तो काफ़ी सारे हो गए, लेकिन गाइस यहाँ पे इसे किसने इसकी मार के फेंक दी, मतलब सोच सकते हो इसकी किसी ने ली और फिर मारा और फिर फेंक दिया। तो गाइस मेरे पास दो मैप के पीस हो चुके हैं, तो गाइस इसको ज्वाइन करते हैं और जो हमारे पास ब्लैक लेदर है उसको भी ले लेते हैं। तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ कुछ शूटर्स मेरे को पेलने लग जाते हैं। तो गाइस इन्हें बताना पड़ेगा कि हम भी कोई आम आदमी नहीं, एक अच्छे से एक स्पेशलिस्ट हैं जो कि बंदों की लूट भी चुराते हैं और साथ में हम क्राइम भी करते हैं, मतलब हम सब कुछ करते हैं लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले इनको मैं मारता हूँ, फिर गाइस अपने हाउस पे चलते हैं। तो गाइस आज हम डायनामाइट भी वहाँ से उठाएंगे अपने टाउन से, क्योंकि गाइस इनके पास जो लूट होती है ना वो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसी लूट होती है इनके पास। तो मैं यहाँ पे फटाफट से आता हूँ और गाइस इनको पहले सबसे पहले मैं इनको किल करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे किल करने के बाद गाइस ये भसरिया का मेरे पीछे पड़ा रहता है, तो भोसड़ी के बेटे मेरे को छोड़ दे बेटे, ओ बेटे छोड़ दे। तो गाइस ये मेरा पीछा तो नहीं छोड़ रहा था, तो गाइस मेरे को बताओ इससे पीछा कैसे छोड़ा। और गाइस ने बिल्कुल मेरे टाट पे एक ये हैमर सा बजा दिया और मेरी हेल्थ देखो कितनी कम कर दी, मतलब आप कितनी भी दूर चल जाओ अगर आपने इसने एक बार एडजस्ट कर दिया ना आपके टाट पे तो आपका टाट खत्म होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्रोमेट माइन को पूरा खाली कर देता हूँ, बस ये लास्ट बंडा बचा होता है तो मैं सोचता हूँ चलो इसे भी निपटाई देते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका था अपने टाउन पे, और गाइस टाउन पे से जितने मेरे पास थे डायनामाइट सारे उठा लिए क्योंकि मेरे को आगे लग नहीं रहा यूज होने वाले, यही जो ये दो मैप के पीस देते हैं उसमें जो टास्क आता है ना गाइस उसी के अंदर ठीक ठाक मटेरियल निकल जाते हैं तो ये वही देते हैं। तो गाइस मेरे को भी नहीं पता क्या निकलने वाला, तो मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ, अगर ठीक ठाक निकला तो बढ़िया वरना गाइस वैसे भी हमारा बढ़िया ही चल रहा है, वैसे भी पड़ा ही हुआ था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और गाइस यहाँ पे मैं जितने भी यहाँ पे थे ना गुंडागर्दी करने वाले लोग सबको मैंने पहले ही मार के भगा दिया, टेंशन मत लो तुम्हारा भाई एकदम फ्री हो के आया था यहाँ पे। तो गाइस यहाँ डायनामाइट लगाया और गाइस बूम फट गया। तो गाइस यहाँ पे देखो इन्होंने घर कैसा बना रखा, मतलब पूरा का पूरा खाली है और बीच में कुछ दे रखा है, तो देखते हैं गाइस। तो गाइस उतना खास तो नहीं लेकिन गाइस ठीक ठाक ये लोग मेरे को लेदर वगैरह इन्होंने दे दिया, तो मेरी जो वो था ना मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारा जो डायनामाइट है वेस्ट हो गया, लेकिन गाइस ये दो दो डायनामाइट ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेकार सा लग रहा था।
लेकिन गाइस हमें लूट तो ठीक ठाक मिल गई, और ये फाइनली लास्ट बॉक्स है, इसमें देखते हैं क्या निकलता है। और गाइस इसके अंदर से भी ठीक ठाक चीज़ें निकल जाती है, उतनी खास नहीं लेकिन ठीक ठाक निकल जाती है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।